अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। भारतीय समय अनुसार ये बहस सुबह करीब 6:30 बजे शुरू हुई। हिलेरी और ट्रंप ने न्यूयॉर्क के हॉफस्ट्रा विश्वविद्यालय में 90 मिनट तक बहस की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाली 3 बहसों में से ये पहली बहस है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले उम्मीदवारों के बीच सीधी बहस अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस डिबेट में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप को टैक्स रिटर्न्स के खुलासे को लेकर वार किया, तो वहीं ट्रंप ने भी हिलेरी के डिलीट किए हुए ईमेल्स को लेकर निशाना साधा। पूरी बहस में पलड़ा हिलेरी का ही भारी दिखा। I will release my tax returns against my lawyer's wishes. When she releases her 33,000 emails that have been deleted, as soon as she releases them, I will release my tax returns. So you've got to ask yourself, why won't he release his tax returns? And I think there may be a couple of reasons. First, maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Third, we don't know all of his business dealings, but we have been told through investigative reporting that he owes about $650 million to Wall Street and foreign banks. Or maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes, because the only years that anybody's ever seen were a couple of years when he had to turn them over to state authorities when he was trying to get a casino license, and they showed he didn't pay any federal income tax. So that makes if he's smart. Paid zero, that means zero for troops, zero for vets, zero for schools or health. डिबेट में क्लिंटन और ट्रंप के बीच गर्मा गर्म बहस की शुरुआत पहले मुद्दे इकोनॉमी से हुई। हिलेरी ने ट्रंप की खिंचाई करते हुए कहा कि ट्रंप इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं जानते। हम एक ऐसी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं जो सबके लिए काम करे, सिर्फ ऊपर बैठे लोगों के लिए नहीं। हिलेरी ने कहा कि ट्रंप ने अपने अरबपति पिता से $40 मिलियन का लोन लिया और कारोबार शुरू किया। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पिता से छोटा लोन लिया था, आज मेरी कंपनी $1 बिलियन की बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी को घेरते हुए अमेरिका में कम होती नौकरियों के बारे में सवाल किया। ट्रंप ने कहा, देश से नौकरियां जा रही हैं, ये नौकरियां मेक्सिको जा रही हैं, वे कई अन्य देशों में जा रही हैं। आप देखिए कि चीन हमारे उत्पाद बनाने के संदर्भ में हमारे देश के साथ क्या कर रहा है। वे अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर रहे हैं और हमारी सरकार में ऐसा कोई नहीं जो उनके खिलाफ लड़े। गौरतलब है कि 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट की ये पहली डिबेट थी। सेकेंड प्रेसिडेंशियल डिबेट 9 अक्टूबर को और थर्ड डिबेट 19 अक्टूबर को होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।